नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। अक्सर अपने विवादित बयानों से चर्चाओं में रहने वाले तौकीर रजा ने आजम खां की रिहाई पर एक बड़ा बयान दे डाला है। इस बयान के जरिए उन्होंने जेल प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, साथ ही उन्होंने सपा पर भी निशाना साधा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इत्तेहाद ए मिल्लत कौंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रजा खान ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खां को लेकर बड़ा दावा किया है। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा है कि आजम खां को जेल में स्लो पॉइजन दिया गया था। इस दावे के साथ उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अगर आजम खां समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएंगे तो सपा जमीन पर आ जाएगी। सपा के पास दूसरा वोट बैंक नहीं है। मीडिया से बातचीत करने के दौरान जब मौलाना तौकीर रजा खान से सवाल किया गया कि आजम खां समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और सपा मुसलमानों का साथ नहीं दे रही, इस सवाल के जवाब में मौलाना ने कहा, आज समाजवादी पार्टी जहां है वहां पहुंचाने में आजम खां का ही हाथ है और सपा से अगर आप नाराज हो जाओगे या अलग हो जाओगे तो सपा जमीन पर आ जाएगी। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि सपा का असल वोट बैंक मुसलमान नहीं बल्कि यादव होना चाहिए था, लेकिन 50% यादव अब बीजेपी को वोट करता है। इस तरीके से चीजें निकल के आई कि वो सपा से नाराज चल रहे हैं। सपा की अगर बात की जाए तो आप भी पहले कह चुके हैं तमाम लोग कि सपा मुसलमानों के साथ नहीं ले रही। उन्होंने आजम खां का साथ, मोहम्मद आजम खां साहब से मैंने कल भी ये बात कही कि सपा जहाँ है वहाँ तक पहुँचाने में भी आपका ही हाथ है और सपा से अगर आप नाराज हो जाओगे, आज भी अलहदा हो जाओगे तो सपा ज़मीन पर आ जाएगी। सपा के पास कोई दूसरा वोट बैंक नहीं है। हमने देखा है सपा का जो असल वोट बैंक होना चाहिए था वो मुसलमान नहीं बल्कि यादव होना चाहिए था और 50% से ज़्यादा यादव वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। तो अगर आजम खां साहब अलग हो जाते हैं, मुमकिन है कि कल कोई बेहतरी का रास्ता बने और एक नया इंकलाब उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में नया इंकलाब आए, ऐसा मुमकिन है। आजम खां साहब, लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जब गिरफ्तार किए गए थे और जब कोरोना की महामारी आई थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद आजम खां अब जेल से वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई, उन्हें सिलो पॉइजन भी दिया गया। कल वो बता रहे थे सिलो पॉइजन दिया जा रहा था, वो भी पकड़ा गया। तो आजम खां को नई ज़िंदगी मिली है, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने कोई काम लेने के लिए उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की है और कोई देश का कोई बेहतर काम, कौम का कोई बेहतर काम हम मिलजुल कर अंजाम देने में बहुत बड़ा मौलाना तौकीर रजा ने आगे कहा, अगर आजम खां सपा से अलग हो जाते हैं तो मुमकिन है कल कोई नया रास्ता बने और उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में इंकलाब आए। आजम खां जब गिरफ्तार किए गए थे और देश में कोरोना वायरस महामारी आई थी तो लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि आजम खां अब जेल से वापस ही नहीं आ पाएंगे, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई, उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, वो भी पकड़ा गया। आजम खां को नई जिंदगी मिली है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने कोई काम करने के लिए ही उनकी जिंदगी की हिफाजत की है। बाय। तौकीर रजा का ये दावा किस आधार पर है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप वो जेल प्रशासन पर लगा रहे हैं, अगर वो अपनी बात को साबित करने में नाकामयाब होते हैं तो ये उन्हें काफी महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि जिस आजम खां का वो बचाव कर रहे हैं वो भी अपने बयानों के कारण ही इतने सालों तक जेल की हवा खा चुके हैं और आज भी उन पर कई दर्ज मुकदमों पर सुनवाई जारी है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।